खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जामिया के बाद अब शाहीन बाग में भी फायरिंग की खबर सामने आई है। हवाया में एक युवक ने गोली चलाई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को हालांकि हिरासत में ले लिया है, आरोपी को सरिता विहार थाने ले जाया गया है पूछताछ के लिए। साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम भी आरोपी से पूछताछ करेगी। गोली चलाने वाले युवक का नाम कपिल गुर्जर बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जामिया के बाद अब शाहीन बाग में भी गोली चलने की ये खबर सामने आई है। आरोपी से पूछताछ क्राइम ब्रांच की टीम करेगी, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हालांकि किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। ये वही युवक है जिसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसने शाहीन बाग में फायरिंग की थी। बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में पुलिस बैरिकेड के पास ये शख्स हवा में गोली इसने चलाई थी और इसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। अनामिका अंबर हमारी संवाददाता खबर पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनामिका, और क्या कुछ जानकारी मिली है इस युवक के बारे में? जी हाँ, देखिए, अब जामिया के बाद दिल्ली शाहीन बाग में फायरिंग हुई है, हवा में फायरिंग की है युवक ने, और युवक का नाम कपिल बताया जा रहा है, जो कि दिल्ली के दालूपुरा का रहने वाला है। और हालांकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी है। वहीं लोगों का कहना है, वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक काफी देर से वहां पर था और आम लोगों से बातचीत कर रहा था, जिससे उसकी पहचान हो नहीं पाई और वो बाहर से आया था। हालांकि किसी को भी कोई वहां पे चोट नहीं आई है, कोई भी वहां चोटी नहीं हुआ है, और लगातार पुलिस की जो पूछताछ है वो जारी है। जी अंशु, ठीक है, तो क्राइम ब्रांच की टीम आगे की कमान संभालेगी, पूछताछ करेगी युवक से। जी बिल्कुल अंशु, देखिए, एक तरफ जहां जामिया के फायरिंग के बाद जो पूरा माहौल है वो गर्म है, उस बीच इस वक्त शाहीन बाग में इस तरीके से गोलीबारी, निश्चित ही जो क्राइम ब्रांच है वो पूरी पूछताछ करेगी और ये पता लगाने की पूरी कोशिश करेगी कि जो युवक है वो ये जो फायरिंग थी वो प्लैंड फायरिंग थी या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जामिया में आक्रोश निकल रहा था, ठीक उसी प्रकार गालूपुरा का जो युवक है कपिल, वो भी अपना आक्रोश निकाल रहा था। जी ठीक है, नजर बना रखिएगा अनामिका, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। तो शाहीन बाग में ये गोली चलने की खबर सामने आई है, हालांकि किसी के हताहत होने की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। ये शाहीन बाग में पुलिस बैरिकेड के पास कपिल नाम के इस शख्स ने हवा में गोली चलाई और उसके बाद तुरंत पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस की हिरासत में है ये आरोपी, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अपने आप को छुड़ाने की भी ये कोशिश कर रहा है। हालांकि किस मंशा के साथ इसने ये हवाई फायरिंग की है, इस बात की जानकारी पुलिस जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम भी पूछताछ करेगी इस युवक से। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।